हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके क्लास नाइन्थ के फिजिक्स से संबंधित है। क्या है वो? पांचवा चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा। इससे पहले मैंने चार चैप्टर ऑलरेडी करा रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न इंक्लूड करे हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि नाइन्थ क्लास का जो भी चैप्टर है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, उनसे भड़ भड़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को और वीडियो को भी अपने सभी सोशल मीडिया फ्रेंड सर्किल पर शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कार्य का मतलब होता है कि यदि किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है, और बल के कारण यदि उसमें विस्थापन होता है, क्या होता है? बल के कारण यदि उसमें विस्थापन होता है तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। यानी कि कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। वर्क इज इक्वल्स टू बल का क्या हो जाता है? फोर्स। और विस्थापन का क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस। यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ इंटू एस। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कार्य का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और अगर उसमें विस्थापन हो रहा है तब हम क्या कहेंगे? कि कार्य हो रहा है। और अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कार्य नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। लिखा गया है बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी तुरंत बताया, बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिक कार्य कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड है कार्य का व्यंजक क्या है? मैंने अभी तुरंत बताया था क्या होता है, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। यहाँ पर W क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है। F क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। और S क्या हो जाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जूल जो होता है या तो आपको जूल दे सकता है एग्जामिनेशन में ऑप्शन में, या तो फिर न्यूटन मीटर। तो कार्य का ऐसे मात्रक आप लोग याद रखेंगे जूल या न्यूटन मीटर। मैंने कहा न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि देखिए ये जो बल है, फोर्स जो है, फोर्स का ऐसे मात्र क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन जो होता है उसका ऐसे मात्र क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो यहीं से आ जाता है जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, ऐसे भी कर सकते हैं, या वन जूल इज इक्वल्स टू वन न्यूटन मीटर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक जूल का मान कितने न्यूटन मीटर के बराबर होता है? तो एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल या फिर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, दोनों आप लोग याद रखेंगे। फिर कह रहा है एक जूल का मान कितना होता है? मैंने तुरंत बताया, कभी भी पूछेगा एक जूल का वैल्यू क्या होता है, तो एक जूल का वैल्यू होता है एक न्यूटन मीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा, एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक वर्क। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट और वर्क, इस दोनों का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो फिर शून्य हो सकता है। कहेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, किसी डिस्टेंस से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि शुरुआत बिंदु ये हो गया और अंतिम बिंदु ये हो गया। तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मैक्सिमम लंबाई, यानी कि महत्तम दूरी, महत्तम लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो ये न्यूनतम दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन और अधिकतम लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। देखिए ये हो गया आपका, चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से चल करके यहाँ पर आया कोई पॉइंट, कोई वस्तु ए से बी तक, तो यहाँ से ये यहाँ तक आया तो ये हो गया इसका पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर यही आदमी यहाँ पर जो अंतिम पॉइंट था यहाँ से घूम करके ये यहाँ पर आ जाए,
यहाँ पर एक ही पॉइंट पर, यानी कि शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु होगा, तो क्या होगा, विस्थापन हुआ ही नहीं, यानी विस्थापन का वैल्यू क्या जाएगा, जीरो जाएगा। यानी कह लें इधर आया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव, और जहाँ से चला था वहीं पर आ गया तो क्या हो जाएगा, शून्य। यानी विस्थापन का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा। कार्य में भी यही कंसेप्ट आता है, कार्य में भी क्या होता है, विस्थापन वाला ही कंसेप्ट आता है। कार्य बराबर होता है F into S, ठीक है। अगर विस्थापन हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, इसके द्वारा इधर बल लगाया गया, ठीक है, और वस्तु विस्थापित इधर ही हो गया, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ठीक है, इस पर बल लगाया गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, बल इस डायरेक्शन में लगाया गया और ये विस्थापित भी हो गया इसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में बल लगा उसी डायरेक्शन में विस्थापित हो गया, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, इस पर बल लगाया गया इधर, लेकिन वो विस्थापित हो गया विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कोई दीवार है, इस पर कोई व्यक्ति बल लगाता है और ये विस्थापित हुआ ही नहीं, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कह लें कि जो वर्क होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा कि कार्य कहे या विस्थापन कहे, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर शून्य हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के बीच थीटा कोण बनता है, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, थीटा कोण बनता है तो वर्क इज इक्वल्स टू, हम लोग को पता है एफ एस होता है, और अगर थीटा कोण बन रहा है तो कॉस थीटा, ठीक है, जितना एंगल बन रहा है वहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा, वर्क बन करके आ जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। अदिश और सदिश क्या होता है, मैंने सेकेंड चैप्टर में आप लोगों को बताया था, प्ले लिस्ट में आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कार्य किस पर निर्भर करता है, तो मैंने तुरंत कहा कार्य बराबर क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो कार्य निर्भर करता है बल पर और विस्थापन पर। किस पर, बल पर और विस्थापन पर। तो वही कह रहा है बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी, यानी विस्थापन पर, ठीक है। चलिए, जब विस्थापन बल की दिशा में हो, मैंने तुरंत बताया था ना कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इधर अगर बल लगाया गया और विस्थापन इधर ही हो रहा है, यानी जिस दिशा में बल लगाया गया उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो कार्य क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य का मान क्या जाएगा, धनात्मक जाएगा, और जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो कार्य का मान ऋणात्मक और लंबवत हो तो नेगेटिव कहला, शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए लंबवत कहने का मतलब क्या होता है, आप न्यूमेरिकल में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति 10 kg का सामान उठाए हुए एक ही जगह पर खड़ा है, ठीक है, 10 kg का सामान उठाए एक ही जगह खड़ा है, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया। तो भाई एक ही जगह खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, भले ही इसने कितना भी द्रव्यमान रखा है, बल लगा के इसको ऊपर क्यों रखा हुआ है, बल भले ही लगा रहा है इस वस्तु पर, ठीक है, लेकिन इसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, तो विस्थापन नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो जब विस्थापन बल के लंबवत हो तो किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति सर पर कुछ सामग्री लिए खड़ा है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। न्यूमेरिकल में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, लंबवत यानी कि देखिए खड़ा इधर है, ठीक है, खड़ा ऐसे खड़ा होता है और सर पर रखे हुए है, ठीक है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विस्थापन की दिशा में, दिशा और बल की दिशा में 90 डिग्री का कोण है। देखिए विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है, विस्थापन इधर हो रहा है और ये है इसका बल का डायरेक्शन, इसके बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो भी वर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, विस्थापन की दिशा और बल के दिशा के बीच यदि 90 डिग्री का कोण है तो कार्य का मान क्या होगा। या आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इन टू एस कॉस थीटा पर निकाल सकते हैं, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा काटने के बाद। अगला है, यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए पृथ्वी है ये, ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह कुछ दूरी तक जाने के बाद यह पुनः वापस पृथ्वी की ओर लौटने लगता है। क्यों लौटने लगता है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जिसे बोला जाता है गुरुत्व बल। क्या बोला जाता है, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के भी बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं,
आपने गेंद को ऊपर की ओर फेंका या कुछ दूरी तक जाने के बाद यह फिर से रिटर्न क्या हो जाता है, आना चालू हो जाता है। आपने इसको ऊपर की ओर फेंका, ये फिर से रिटर्न आना चालू हो गया। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है, लेकिन कुछ दूरी तक जाने के बाद उसका विस्थापन क्या होता है, नीचे की ओर होता है। ठीक है, यानी बल ऊपर की ओर हो गया लेकिन विस्थापन किधर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है यानी गुरुत्व बल इस पर नीचे की ओर बल लगा, सॉरी देखिए किसी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं ठीक है, तो गुरुत्व बल तो नीचे की ओर लग रहा है ना, गुरुत्व बल इस पर नीचे की ओर लग रहा है लेकिन ये वस्तु ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बल और विस्थापन, तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कार्य करने की क्षमताओं को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने वर्क पावर एनर्जी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस करवाए हैं और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10th वाले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ऊर्जा का सममात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का सममात्रक होता है जूल। शक्ति का सममात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, और वही कह ले कि व्यावसायिक ऊर्जा का सममात्रक क्या होता है, तो व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। देखिए वाट घंटा का वैल्यू होता है 3600 जूल, और जब किलोवाट घंटा कह देगा तो किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो 3600 जूल में अगर आप 1000 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 10^2, कितना, 2 इधर और 3 इधर, तो 2 × 3 = 5 हो जाएगा, यानी 36 × 10^5 जूल, यानी 1 kWh का वैल्यू कितना होता है, 36 × 10^5 जूल। क्या कहा मैंने, 1 kWh का वैल्यू हो गया 36 × 10^5 जूल। इसी को क्या किया जाता है, कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, 36 × 10^5, इसको 10 से गुना और 10 से भाग लगा दिया जाता है। जब भाग लगता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका पावर जुड़ जाएगा और ये इससे भाग लग जाएगा, तो 36 में जब 10 से भाग लगेगा तो 3.6 होगा इंटू 10^6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैल्यू याद रखिएगा और ये भी वैल्यू याद रखिएगा कि 1 kWh का वैल्यू 36 × 10^5 जूल होता है, या 1 kWh का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.6 × 10^6 जूल होता है। ठीक है, और ये जो है वाट kWh, ये क्या है, व्यावसायिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। ठीक है, और आपसे पूछ देगा kWh का वैल्यू क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 3.6 × 10^6 जूल। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं। देखिए किसी भी वस्तु में यदि गति हो रहा है, गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, बंदूक से जो गोली दागते हैं तो उस गोली में भी किस प्रकार की ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गति के कारण जो ऊर्जा आई गतिज ऊर्जा, और विराम की स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, वो होता है ½mv². गतिज ऊर्जा डिपेंड किस पर करता है, मास पर, और किस पर करता है, वेग पर करता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी पर करता है, और वहीं स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो वो होता है mgh, यानी कि मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण और हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है, और आपका जो गतिज ऊर्जा होता है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो दोनों का व्यंजक याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 21वां प्रश्न है, किसी वस्तु को उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, मैंने तुरंत कहा गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, ½mv². ठीक है, तो मास और वेग यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh, तो मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला है गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, 1/2mv², और स्थितिज ऊर्जा का तो mgh होता है। ठीक है, अब देखिए बंदूक से छोड़ी गई गोली, एग्जाम्पल याद रखिएगा, धनुष से छोड़ा गया तीर,
ठीक है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो उसमें गति पाई जाती है तो गति ऊर्जा, धनुष से छोड़ा गया तीर, ये सब चीज़ तो प्रैक्टिकली है, याद ही रहेगा आप लोगों को। धनुष से अगर तीर छोड़ा जाता है तो उसमें भी गति पाई जाती है तो गति ऊर्जा, हवा बह रही है तो उसमें भी गति है तो गति ऊर्जा, गिरती वर्षा की बंदूर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है इसका मतलब इसमें भी गति होगा तो गति ऊर्जा, ठीक है। लेकिन जब तनी हुई धनुष की डोरी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका धनुष है तो इसमें जो तनी हुई डोरी होती है तो ये तनी हुई है, अभी रुकी हुई है, तो तनी हुई है मतलब स्थिति जिस स्थिति में है ना, स्थिर स्थिति में, तो स्थिति जुड़ जा, ठीक है। छत पर रखी ईंट, छत है, इस पर कोई ईंटा रखा हुआ है तो इस पर कोई गति नहीं है, ये रुका हुआ है, यानी कि स्थिति जुड़ जा। तालाब में जो जल होता है, अगर इसमें कोई भी गति नहीं है, तालाब का जल रुका हुआ है, क्योंकि तालाब का जल होता है वो रुका हुआ ही होता है, तो तालाब में जो जल होता है वह भी स्थिर अवस्था में होता है, यानी उसमें भी किस प्रकार की ऊर्जा होगी, स्थिति जुड़ जा। स्थिति के कारण ऊर्जा, स्थिति जुड़ जा, और गति के कारण ऊर्जा, गति जुड़ जा, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरा पौधा। हरा पौधा में एक प्रक्रिया पाया जाता है फोटोसिंथेसिस का। क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाया जाता है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किसके किसके बीच होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है आपका किसके बीच? वाटर के बीच, ठीक है, H2O, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बीच होता है। किसके उपस्थिति में? सनलाइट और हरित लवण की उपस्थिति में। और जब रिएक्शन होता है तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, फिर बनता है आपका वाटर, और फिर बनता है आपका क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरा पौधा, क्योंकि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन जो होता है साउंड एनर्जी को किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, करंट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? पंखा और मोटर। पंखा और मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा लेकर के मूव करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। आगे है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जो बैटरी होती है, बैटरी में आपका होता है केमिकल एनर्जी। किस प्रकार की एनर्जी? केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जिससे बल्ब वगैरह सारा चीज़ जलता है। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। कौन बदलता है? डायनेमो। पहले आता था, हम लोग जब छोटे थे तो उस समय साइकिल में डायनेमो लगाया जाता था। साइकिल में भी आगे बल्ब लगा होता था जिससे नाइट वगैरह में क्या होता था, रोशनी आती थी, जिससे आगे चलने में परेशानी नहीं होती थी। साइकिल का जो पहिया होता था, ठीक है, वहाँ पर डायनेमो लगाया जाता था। जब डायनेमो को इसमें सटाते थे तो पहिया के मूव करने की वजह से डायनेमो का आर्मेचर मूव करता था, और जिससे कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था, ठीक है, और बल्ब चलता था। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता था, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था। तो वही कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। अगला है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जो सनलाइट होता है उससे निकलती है सोलर एनर्जी, ठीक है। और सोलर एनर्जी जब सोलर प्लेट पर पड़ता है, ठीक है, तो सोलर प्लेट इसको कन्वर्ट कर देता है करंट एनर्जी में, ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। ये जो सोलर प्लेट होता है यह बना होता है अर्धचालकों का, और इस अर्धचालक में प्रयोग किया जाता है सिलिकन का, मैक्सिमम सिलिकन का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोलर प्लेट में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, या सोलर प्लेट में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और कंप्यूटर के IC चिप्स में भी सिलिकन का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक वाट का मान कितना होता है? मैंने अभी तुरंत बताया, एक वाट का मान क्या होता है? एक जूल सेकंड। क्या होता है? एक जूल सेकंड। अब कहेंगे आप कैसे, तो देखिए, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। किसका है? शक्ति का। और शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को, ठीक है, यानी कि कार्य करने की दर, यानी कि कितने समय, कितना समय में, यानी इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को शक्ति कहते हैं, यानी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क का ऐसा मात्रा, यानी कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और टाइम का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। और कह रहा है एक वाट, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो एक वाट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक जूल पर सेकंड। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था। अब आगे कह रहा है, एक किलो वाट का मान क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, जब एक वाट का मान कितना हो गया? एक जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो एक किलो वाट, तो किलो वाट का मतलब हो गया हज़ार,
किलोवाट का मतलब 1000, तो एक को जब 1000 से गुना करेंगे तो 1000, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तो 1000 होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ 1000 से गुना होगा, तो 1000 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, 1000 जूल प्रति सेकंड। आगे कह रहा है अशुशक्ति किसका मात्रक है, तो शक्ति का ही SI मात्रक है, और एक अशुशक्ति का वैल्यू कितना होता है 746 वाट। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, शक्ति और ऊर्जा में कौन समय पर निर्भर करता है, तो शक्ति कैसे, तो देखिए शक्ति का मतलब ही क्या होता है कि कितने समय में कोई व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो जितना समय लेगा किसी काम को करने में उसी को तो शक्ति कहते हैं। लेकिन क्षमता का मतलब ये नहीं होता है कि वो टाइम पर निर्भर करेगा, ठीक है। कार्य ये जो होता है ऊर्जा, ठीक है, ये समय पर निर्भर नहीं करता है, शक्ति समय पर निर्भर करता है। आगे देखिए, एक किलोवाट का मान कितने न्यूटन के बराबर होता है, एक न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। एक किलोवाट जो होता है एक न्यूटन के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, एक किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, मैंने तुरंत बताया था एक किलोवाट घंटा का मतलब क्या होगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, या इसी को याद रखेंगे 36 × 10⁵ जूल। कैसे डिराइव होता है मैंने ऊपर इसी वीडियो में बताया है। अगला है, शक्ति का व्यंजक क्या होता है, तो मैंने कितनी बार इसी वीडियो में बता दिया, शक्ति होता है वर्क अपॉन टाइम, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा किए गए कुल कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। चलिए, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वह चलता है इस डायरेक्शन में, तो पैर के द्वारा उस पर बल, मिट्टी पर बल किस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में। तब तो कभी देखा ही होता है, कई बोले तो लाइकेन वाला, जहाँ पर फिसलन वाला जगह होता है, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आगे की ओर चलना प्रारंभ करता है तो वो क्या होता है, स्लिप करके मुंह के बल गिरता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल का मान कम होता है, घर्षण बल पीछे की ओर लगता है, इस व्यक्ति के द्वारा घर्षण बल पीछे की ओर लग रहा है आगे चलने के लिए, तो जो आगे चलने के लिए जो बल लग रहा है, घर्षण बल किसके तरफ लग रहा है, पीछे की ओर, यानी गति के विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। जाना चाह रहा व्यक्ति इधर, लेकिन उसके द्वारा घर्षण बल लग रहा है विपरीत डायरेक्शन में, तो कभी भी घर्षण बल जो लगता है वह किधर लगता है, गति के विपरीत डायरेक्शन में। तो वही कह रहा है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे है, जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो, ठीक है, जब बल इधर लग रहा हो और विस्थापन भी इधर ही हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए बल इधर लग रहा था और विस्थापन उसके विपरीत होता तो नेगेटिव होता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बल इधर बल मान लीजिए ऊपर की ओर लग रहा था और विस्थापन इधर था, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा, जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। आगे देखिए, प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा का SI मात्रा क्या हो जाएगा, E=mc², जिसको किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। क्या है द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण, या व्यंजक भी कभी कभी कह देगा, तो E=mc² हो जाता है। अगला देखते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत का जो समीकरण होता है वह क्या होता है, E=mc², ठीक है, वही सापेक्षता का भी और वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी। तो ये सभी एक दूसरे से रिलेट करके पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी गुना होगा। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv², ठीक है, अगर उसका वेग 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है, वेग क्या कर दिया जाए, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, मास तो वही है, वेग 4 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो वेग जब 4 गुना कर दिया जाएगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वह कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कहेंगे कैसे, तो देखिए m1 है, ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये हो जाता है mv के, ठीक है, समानुपात, ठीक है, mv² तो m तो 1 है, v हो गया आपका, v भी 1 था, लेकिन यहाँ पर जब 4 गुना कर दिया तो v कितना हो जाएगा, 4 गुना का स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर है, भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान कितना है, 3% है। नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार से होता है, एक तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होगा और एक नाभिकीय विखंडन के माध्यम से होगा, ठीक है। एक होगा आपका संलयन
और एक होगा विखंडन। ठीक है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन, और यहीं आपका हाइड्रोजन बम जो बनता है वह भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, और परमाणु बम जो बनता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। ठीक है, आप यदि इसको डिटेल में जानना चाहते हैं नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम डिटेल में बता देंगे। ठीक है, कि नाभिकीय विखंडन जो होता है अनियंत्रित या नियंत्रित भी होता है, तो इसको शांत करने के लिए क्या क्या किया जाता है वो सारा चीज़। चलिए आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में? तो वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए पवन का वेग कितना होना चाहिए? तो पवन का वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है तो वहाँ पर जो एनर्जी है वह रिलीज़ नहीं होगा। पवन का वेग कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आगे कह रहे हैं पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? डेनमार्क में ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 53 प्रश्न थे वर्क पावर एंड एनर्जी से। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने जितने भी प्रश्न इसमें करे हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, और प्रीवियस वीडियो मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताएं सारा का सारा कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप इतना करके जाते हैं तो श्योर कर देता हूँ आपको कि आपका जो आगामी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे आएंगे, 100% आएंगे अगर आप इसको इतना कर लेते हैं तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 5 चैप्टर करा दिया है फिजिक्स का, बस एक चैप्टर बचा है लास्ट चैप्टर। ठीक है, कौन सा? साउंड यानी कि ध्वनि वाला चैप्टर। ठीक है, तो वो भी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स क्लास 9th फिजिक्स का क्या हो जाएगा, एक मास्टर वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी फ्रेंड सर्किल में या स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।